जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। मैं आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार की लगने खबरें आई तो देश में पता नहीं कितने सारे दिव्य दरबार लगने शुरू हो गए। आप सबको हमने वीडियो बना के भेजी ही है, वीडियो सेंड किए, मतलब वीडियो अपलोड किए हैं, आप सबने देखे ही होंगे बहुत सारे वीडियो। और क्या करें, मेमोरी परेशान कर रही हैं, इनको इतनी देर तक वीडियो नहीं बना पाया, फिर भी जी पानी पी लगी हूँ। चलो, जो वीडियो में जानकारी दे रहे हैं वो आप सबको दे रहे हैं, आवाज़ साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी। ये बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब से वीडियो बन भी मतलब दिव्य दरबार लगभग शुरू भाव है, या जब से हम सबको जानकारी मिली है दिव्य दरबार, तो सुनी जा रही कि कई पीढ़ियों से लग रहा है बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार, लेकिन ज़्यादातर अभी अपन को सब जनों को पता चलो है कम से कम 4-5 महीना पहले, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ज़्यादा जानकारी मिली है। तो वैसे कई दिव्य दरबार की सुनवे में खबरें आ रही हैं कि अब गुरुदेव के चेला भी दिव्य दरबार लगन लगे हैं। जी हाँ, सुनवे में यही आ रही है भैया कि बागेश्वर धाम सरकार को जैसे दिव्य दरबार, बागेश्वर धाम सरकार दिव्य दरबार लगाते हैं, वैसे ही दिव्य दरबार लब के इस्तेवारी भी लगाते हैं। आप सबको हमने बताई है, अब एक दरबार भी लगा रहे हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि गुरुदेव के मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेला है जो कि दास है। अब जो भी वही हमें इतनी जानकारी नहीं है, जैसे हमें जानकारी मिली है हम उस आधार पर वीडियो आप सबको बना रहे हैं, जितनी जानकारी है वैसे ही हम झूठ अपनी तरफ से कोई भी झूठ नहीं बोल रहे, हम हकीकत में हम लोग सच बता रहे हैं। आज नहीं आपको पता चलेगा, कहीं और पता चल जाएगा, इसलिए विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। आप सबको बता दें, एक हनुमत दास नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, वो भी बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही दिव्य दरबार लगाने लगे हैं, जो कि वैसे वो ज़्यादा पहले से ऐसा कुछ नहीं करते थे, पहले पता नहीं क्या करते थे क्या नहीं, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों पहले 20 मार्च को एक दिव्य दरबार लगा था जिसमें हजार लोग बैठे थे, हजारों की श्रद्धालु की मतलब भीड़ बैठी थी, लगी हुई थी, जो कि जूनागढ़ है, राजगढ़ के आसपास के इलाके में, मतलब जो मंदिर है राम हनुमान मंदिर है वहाँ पे, हनुमान मंदिर के परिसर में ये दिव्य दरबार लगाया गया था, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग भी आए थे। और उन गुरुदेव ने जो भाई हनुमत दास गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही बोलो भाई है कि नहीं, अब जो भी है, तो अब उन्होंने दिव्य दरबार लगाए तो लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। और अब सुनने में आ रहा है कि अब वो भी ऐसे ही देश विदेशों में पूजे जाएंगे, जाने जाएंगे, अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरह ही उनको भी उनका भी दिव्य दरबार ऐसे चलने लगेगा, लोगों की भीड़ होने लगी है। वैसे अब सुनने में आ रहा है कि ये गुना जिले के आसपास के हैं भाई। अब गुना जिला आप सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता है तो भाई गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि नहीं, अब ये अपने मन से तो कर नहीं रहे, ऐसे तो बोल नहीं रहे, वही बता देगा कि दिव्य दरबार कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा। अब सुनने में आ रहा है कि मतलब हर मंगलवार को शाम 3 बजे से शाम 5 बजे तक दिव्य दरबार लगता है हर मंगलवार को, जो कि उनका दिव्य दरबार लगता है तो समस्याओं का समाधान पर्ची पे लिख देते हैं बिना बुलाए, पहले पर्ची पे समस्या लिख देते हैं फिर बाद में जिस व्यक्ति का नाम आना होता है उसको बुलाते हैं भाई, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है। और उनका सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको गुरुदेव की जैसे ही प्रेरणा, कोई शक्तियाँ नहीं है उनके पास भी, कोई उनके पास चमत्कारी शक्ति नहीं है, बस वो भी जैसे हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बोलते हैं कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, कोई हमारा हम चमत्कार नहीं करते हैं, बस हमारे लिए बालाजी की कृपा होती है, बालाजी के आशीर्वाद से सारी जो भी प्रेरणा होती है उस आधार पे हम मतलब पर्चे पे सारी जानकारी लिख देते हैं। वैसे ही इनका कहना है कि हम भी, हमें कोई दिव्य शक्ति नहीं है, हमसे जो भी हमें प्रेरणा लगती है बालाजी की, वैसे ही हम पर्ची पे अर्जी लिख देते भैया, क्या वीडियो की सच्चाई है, वीडियो की सच्चाई तो भाई हम बता रहे हैं आपको, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बाकी हमारे वीडियो में कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है। हाँ ये है कि हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, जो बात समझानी है हम समझा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी बेटी परेशान कर रही है इसकी वजह से हम अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, लेकिन वीडियो हमारे हमेशा सच के आधार पर बनाते हैं, क्योंकि हमें जो जानकारी मिलती है भाई, झूठ तो जानकारी मिलेगी नहीं,
नहीं है कि नहीं, हम झूठ वीडियो बनाते भी नहीं हैं। और जिसको लगते हैं भाई, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसको हमारी वीडियो पसंद भी आते हैं और कई लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो भाई हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करें कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छे लगे तो ठीक है, कर देना। आपकी बहन को सपोर्ट करना चाहो तो, अगर नहीं करना चाहो तो भाई आपका बराम भला करे। ठीक है, मिल रहा है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। फिलहाल तो वीडियो को लाइक कर ही देना, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है। ठीक है, जय श्री राम।